अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, जो उनके सुरक्षाकर्मी जो सिख समुदाय थे, उसके बाद इस देश में जो हुआ 1984 का दंगा, जब कत्लेआम सरकारी हुआ, जिसके बारे में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके आसपास की धरती हिलती है, इस तरह का कायरतापूर्वक बयान किसी प्रधानमंत्री के मुंह से क्या अच्छा लगता है, तब कि वो देश का मुखिया होता है। अध्यक्ष जी, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, सुल्तानपुरी से, वहां मंगोलपुरी भी साथ में विधानसभा है, और जो मेरे से पहले कांग्रेस का विधायक था वो भी लिप्त था इसमें। कांग्रेस पार्टी ने 50 लोगों के नाम कटवाए थे उस समय के, और ये जो बीजेपी वाले बात कर रहे हैं, आरएसएस के भी 49 लोग थे जो मीडिया के माध्यम से समाचारों में बताया गया है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसमें लिप्त थे। और एक और बात अध्यक्ष साहब, जो ये सुल्तानपुरी मंगोलपुरी में जो लोग मरे, ये या तो मजहबी सिख थे या सिकलीगर कम्युनिटी से थे, जो सरदार बंच, जो दलित हिंदू, हिंदुओं की पीड़ा से जो मनुवाद जो इस देश में चलता है, जो कन्वर्टेड सिख थे वो सबसे ज्यादा संख्या में मरे थे, वो दलित परिवार थे। और अध्यक्ष साहब, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, चाहे 84 के दंगे हो, गोधरा का कांड हो जिसमें मुसलमान भाइयों को जला के मार दिया गया, या गोहाणा कांड हो जिसमें दलितों के घर फूके गए, या मिर्चपुर कांड हो, या सहारनपुर के दंगे हो, या देश में बहुत बार इंसानियत की हत्या हुई हो, हमें सोचना पड़ेगा कि इस देश में ऐसा क्यों होता है। अध्यक्ष साहब, ये इकलौता ऐसा देश है जहां पर दो विचारधाराएं चलती है, एक पाखंडवाद है जो मनुवाद है, और एक अंबेडकरवाद है जो मानवता की बात करता है, जिसका प्रतीक भारत का संविधान है। अध्यक्ष जी, जब तक देश में मानवतावादी सरकार, जिसका घोषणा पत्र भारत का संविधान नहीं होगा, तब तक देश में ऐसे हालात बने रहेंगे, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो एक अकेला ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जनता के अधिकार और कर्तव्य निहित है। अध्यक्ष साहब, देश में जो दंगे होते हैं, यही कारण है कि यहाँ हमेशा केंद्र में मनुवादियों की सरकार बनी है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का मौका आपके पास है, और ये साबित करने का, जो साहब मानवर काशीराम कहते थे 1585 की लड़ाई है वो आने वाला, वोट हमारा और राज तुम्हारा ये नहीं चलेगा, ये आपको साबित करना पड़ेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, और मैं बहुजन समाज के लोगों से विशेषकर एग्जाम्पल देता हूं आपको, एचएस फुलका का, जो मेरे सिख भाई बैठे हैं, मैं सलूट करता हूं उस आदमी को जिसने सिख दंगों के लिए लड़ाई लड़ी, और अपना विपक्ष का जो नेता है वो पद छोड़ करके अपनी कौम के लिए खड़ा होगा। तो हर आदमी को जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ये जो टिकटें हैं, ये जो मंत्री के पद है, ये किसी के बाप की औकात नहीं है। मैं दे दे, अगर मेरी सीट रिजर्व ना होती थी, किसी औकात नहीं थी जो मुझे जनरल सीट से लड़ा दे। ये बाबा साहब की दी डेमोक्रेसी है। अगर देश का संविधान नहीं होता तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं होती। और जो बाबा साहब को नहीं मानते, सरेआम बीजेपी के लोग संविधान को जलाते हैं, वो लोग इस देश के कैसे हितैषी हो सकते हैं, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से देश की जनता से अपील भी करना चाहता हूं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, अपने समाज के लिए बोलना शुरू कर दो, अपने समाज की बात रखना शुरू कर दो। ये लोग विधानसभा में, संसद में ऐसे बैठे हैं जैसे वो फिल्म में सनी देओल का डायलॉग है ना, कात्यायी कुत्ते, अगर इनके हाईकमान कहती तो भोंकते हैं, अगर इनके हाईकमान कहती तो काटते हैं। इस हाईकमान से ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। आपको इस समाज के लिए, देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये चुने हुए लोग पार्टियों के प्रोटोकॉल में रह करके मानवता की निर्मम हत्या करवाएंगे तो ये देश कैसे चलेगा, बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा, सोचना पड़ेगा। और मैं तो तमाम अध्यक्ष साहब इस सदन के माध्यम से इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 2019 का चुनाव है, इसमें बहुजन समाज की सरकार बनाओ, BSP की सरकार बनाओ, BNG की सरकार बनाओ, देश को बचा सकती है। ये सरकारें हैं, आप निकाल दो, आपका अधिकार, आपकी सरकार है।
ये मनवादी पार्टियां सारी सारी इनकी जड़े देख लो कि परिवार से निकली हुई पार्टियां हैं। बजिया संघ की बजिया होती है इस देश को, तो संविधान लागू कराना पड़ेगा। आज संविधान बहुजन समाज खतरे में, धन्यवाद आपने मुझे दिया। एक सिंह दो मिनट।